अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह करे आगे भी ठीक रहें, क्योंकि आज यहाँ पे हरिकेन आ रहा है। और एक्चुअली एक बार पहले भी यहाँ पे हरिकेन आया था और ये पूरा सिटी डूब गया था। आज से 15 साल पहले यहाँ पे हरिकेन कैटरीना आया था और ये पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसके बाद एवरी ईयर यहाँ पे स्टॉर्म वगैरह तो आते रहते हैं, लेकिन हरिकेन आज आ रहा है और अल्लाह करे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और ज़्यादा नुकसान ना हो। सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी रुकी तो मैंने कहा जल्दी से जाके अपना व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे आया नहीं जाता, इतनी गर्मी होती है। आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके ना मुझे बहुत फ्रेश फील होता है ग्रीनरी को देख के, पानी को देख के। लास्ट ईयर वायरस का इशू नहीं था ना, तो बच्चे यहाँ पर अक्सर आके स्विमिंग कर लेते थे और अच्छी खासी स्विमिंग आ गई थी उनको, लेकिन इस साल तो वायरस की वजह से एक दफ़ा भी नहीं आई स्विमिंग के लिए। अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग शाम 7 बजे यहाँ पे हिट करेगा और यहाँ पे 2 दिन से सारे स्कूल, कॉलेजेस, बैंक्स, ऑफिसेज सब कुछ बंद है और लोगों ने तैयारी भी कर लिया, हमने भी प्रिपरेशन की हुई हैं। और जिन एरियाज़ में ज़्यादा ख़तरा था उन्होंने वो बिल्कुल खाली करा लिया, लोगों को मूव कर लिया वहाँ से, और ये एरिया अभी तक सेफ जोन में है और अल्लाह करे कि ऐसे ही रहे। हरिकेन कहते हैं समंदर में एक बहुत बड़े तूफ़ान को जिसके साथ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है और विंड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि घर के घर उड़ जाते हैं। यहाँ पे वैसे भी वुड के घर होते हैं तो वो फ़ौरन टूट जाते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रीज रूट्स के साथ निकल आते हैं और बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो उलट जाते हैं। अभी मैं आपको जो प्रीवियस हरिकेन आया था उसके क्लिप्स दिखा रही हूँ और इस वीडियो के लास्ट में जो करंट अभी आ रहा है हरिकेन उसके भी दिखाऊँगी। यहाँ पर 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था ताकि लोग प्रिपेयर हो जाएँ। अभी बच्चे बॉटल्स में टैप वाटर भर के रखे हैं वॉशरूम के लिए, क्योंकि पूरे सिटी की पावर ऑफ हो सकती है। कुछ साल पहले भी ऐसे ही हुआ था, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था और कुछ एरियाज़ की इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने ऑफ कर दी थी। तब हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग का अपना जनरेटर था तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अभी हम टाउन हाउस में रहते हैं तो इसलिए हमने कुछ इमरजेंसी लाइट्स और कैंडल्स वगैरह लेके रखी हैं ताकि बाद में अगर कुछ देर के लिए पावर ऑफ होती भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जब भी इस तरह का कोई इशू होने लगता है ना तो सबसे पहले स्टोर पर पानी और ब्रेड इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो शॉर्ट हो जाती हैं। लोग इसलिए स्टॉक कर लेते हैं ताकि उन्हें बाद में ये चीज़ें लेने के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े। हमारा एरिया अभी तक डेंजर जोन में नहीं है और ना ही यहाँ से इवैक्यूएट किया लोगों को, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो जिपलॉक में डाल के बैग में रख दिए हैं ताकि वो सिक्योर हो जाएं। ये बैग मैंने लास्ट ईयर बॉडी इन बाथ से लिया था, एक्चुअली मैंने $60 की परचेज़ की थी तो उसके साथ ये मुझे फ्री में मिला था और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं हैरान हो गई थी बाद में। आप लोग बाद में पूछते हैं तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही बता देती हूँ। तो ये थी सारी प्रिपरेशन जो हमने की है, इसके अलावा कुछ कैश भी ले लिया था क्योंकि बाद में ATM भी वर्क नहीं करते। अच्छा, बच्चे सुबह से बार बार पूछ रहे हैं कि हरिकेन कब आएगा, इन्होंने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई है और इन्हें आइडिया नहीं है ना कि क्या होगा। और बच्चों के लिए तो हर चीज़ ही एडवेंचर होती है। आयता ने सुबह से अपना बैग पैक तैयार किया हुआ है और लेके घूम रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किसने क्या क्या रखा हुआ है। ये देखें, आयतल ने अपने कुछ फेवरेट टॉयज और टॉर्च पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ अपने बैकपैक में। आयतल को देख के ना अली ने भी अपना बैग रेडी कर लिया है। आयतल जो भी करती है ना अली उसको फॉलो करता है और अंदर पता नहीं क्या टॉयज वगैरह डाले हुए इसने। आज हस्बैंड भी घर पे थे तो उनका दिल कर रहा था आलू के पराठे खाने को। वैसे तो मैंने लंच के लिए चिकन रोस्ट बनाया था क्योंकि कुछ और खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कुछ ड्राई बना लेती हूँ। तो आलू बॉईल हो गए हैं, अभी मैं उनको मैश कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उनको मैश नहीं करती, थोड़े थोड़े से उसके पीसेज रहने देती हूँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं, आप ही ऐसे ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा सॉल्ट और लाल मिर्च डालूंगी मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो ग्रीन चिलीज़ मैं ज़्यादा डालती हूँ इसमें। ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर ना वैसे बहुत ही अच्छा लगता है आलू के पराठों में। और यहाँ पे मैंने अभी डाली है हल्दी, उसके बाद ज़ीरा डाला है पिसा हुआ और धनिया पाउडर डाला है। और आपको पता है मसाले मैं भून के यूज़ करती हूँ और गरम मसाला डाल रही थी तो उसको बहुत जल्दी थी तो वो जंप करके खुद ही चला गया था। और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जाएगा फ्रेश लेमन जूस, जिससे बहुत ही चटपटे से पराठे बनेंगे। अच्छा, ये जो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ ना, इसके साथ यकीन करें चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने मज़े के लगते हैं ऐसे ही।
जब आलू बॉईल हो रहे थे तो मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर लिया था और धनिया और पुदीना भी कट करके रख दिया था। ये सब डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा निकाल के रख दूँगी। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डाल के फिर इसको मिक्स कर लूँगी। अमान तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, वो शौक़ से खा लेता है ग्रीन चिलीज़, बल्कि मैं उसको मना कर रही होती हूँ कि ना खाओ मिर्चें लग जाएंगी, और वो बड़े मज़े से खा रहा होता है। लेकिन आयतल और अली जो है ना, ये दोनों ही एक जैसे हैं। ये दोनों खा तो लेते हैं लेकिन फिर बाद में कह रहे होते हैं कि स्पाइसी है, हमें पानी दें, तो इसलिए मैं इनके लिए अलग से निकाल लेती हूँ। वैसे भी बच्चों के लिए इतना स्पाइसी फूड अच्छा नहीं होता। अच्छा, आलू के पराठे जो है ना, वैसे हर कोई शौक़ से खाता है, शायद ही कोई होगा जिसको पसंद नहीं होंगे आलू के पराठे। हमारे घर में भी सभी शौक़ से खाते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो मैं उनके लिए अच्छी तरह से देसी घी लगा के ना उनका पराठा बनाती हूँ। अभी जब मैं पराठे बनाने लगी तो मुझे याद ही नहीं रहा कैमरा फिट करना, तो मैंने अमान से कहा कि प्लीज़ आप छोटा सा एक क्लिप बना दो, तो वही बना रहा था अभी। अमान माशाल्लाह से बड़ा है ना, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करा देता है कुछ चीज़ों में। और आई थिंक आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो आपका पार्टनर बन जाता है और हर चीज़ में वो आपकी हेल्प भी कराता है, इंटरेस्ट भी लेता है। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठा, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा घी लगाया, क्योंकि हम माओं को होता है ना कि हमारे बच्चे स्किनी है, तो थोड़ा सा ये वेट गेन कर ले और मोटे ताज़े हो जाएँ। और जिन्होंने भी वेट गेन करना हो ना, आलू का पराठा तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मेक श्योर कि आप इसके बाद कोई और ऑयली स्टफ़ ना खाएँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल आपको पता है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है ना, वो ऑलिव ऑयल लगा के भी खा सकते हैं पराठे पे। अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ, जिन्होंने ख़ास तौर पे आज आलू के पराठे की फरमाइश की थी, और साथ में ये चिकन रोस्ट है। मैंने कल चिकन को सारे होम स्पाइसेस और योगर्ट लगा के मैरिनेट कर लिया था, तो आज थोड़े से ऑयल में मैंने इसको कुक किया था, और ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है और ख़ुद ही बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब भी पराठे बनाओ या फिर फ्राइंग वगैरह का थोड़ा ज़्यादा काम कर लो ना, तो इतना धुआं हो जाता है पूरे घर में, क्योंकि बंद होते हैं घर और कोई वेंटिलेशन भी नहीं होती, तो मैं कैंडल ज़रूर जला लेती हूँ कुकिंग करने के बाद, कि कैंडल जो है ना वो स्मोक को एब्जॉर्ब भी करती है और बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस भी आ जाती है पूरे घर में। अभी मैं आयतल के बाल बना रही थी, क्योंकि सुबह मैंने इसकी जल्दी में पोनीटेल की थी, जो इसने 2 घंटे के बाद ही खोल दी थी। माशाल्लाह आयतल के बाल काफ़ी लंबे हैं और मैं अक्सर इस तरह से बना लेती हूँ, इससे जो है ना कुछ घंटे सुकून से गुजर जाते हैं। अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मटन की बिरयानी बनानी है शाम को, जो ईद पे बनाई थी। आपको मेरे एक्सप्रेशंस देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझ पर क्या गुजरी थी, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं था कुकिंग करने का, और मैं तो अपने सारे काम ख़त्म करके बैठी थी कि अब सुकून से जो है ना थोड़ी देर मैं रिलैक्स करूँगी। लेकिन जब हस्बैंड घर पे हो ना, तो फिर ये सब तो आपको पता चलता ही रहता है साथ साथ। मैं तो इनको कह रही थी कि बाहर तूफ़ान आ रहा है और आपकी फरमाइशें ही नहीं ख़त्म हो रही। खैर, मैंने फिर मटन का ट्रे जो है वो फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखा कि थोड़ा सा मेल्ट होता है तो फिर मैं बनाती हूँ। वैसे मैंने यखनी वाली बनानी थी, तो उसके लिए जो है ना इतना मेल्ट ना भी हो तो बन जाती है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात भी करनी थी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग जो मैसेज करते हैं वो शो तो हो रहा होता है, लेकिन जब मैं उसका रिप्लाई करने लगती हूँ ना, तो वो डिसअपियर हो जाता है। आई डोंट नो कि वो स्पैम में जाता है या फिर रिव्यू के लिए जाता है, लेकिन आपने अगर कोई ज़रूरी बात पूछनी हो तो आप दोबारा से मैसेज कर दिया करें, अगर मैं रिप्लाई ना करूँ 1-2 दिन में। या फिर इंस्टा पे तो आपको पता ही है कि मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पे भी मुझे DM कर सकते हैं। आजकल के बाल बनाने के बाद फिर मैं किचन में गई और मैंने बिरयानी बनाई, और रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज रेसिपी नहीं दूंगी उसकी। साथ साथ हम लोग लाइव न्यूज़ भी देख रहे थे हरिकेन को मॉनिटर करने के लिए। आज शाम को 7 बजे हिट करना था लुइजियाना में, लेकिन फिर स्पीड स्लो हो गई थी, तो आई थिंक रात को ही करेगा। अभी बस यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और विंड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे हमारी मटन की बिरयानी भी रेडी हो गई थी, और ये इतने मज़े की रेसिपी आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल एफर्टलेस है और बहुत जल्दी बन जाती है। चिकन की बिरयानी तो मैं लेयरिंग वाली बनाती हूँ, लेकिन जब मैंने मटन की बनानी हो ना, तो मैं यखनी वाली बनाती हूँ, और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे देगी स्टाइल के बाहर शादियों में या फिर रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना, एग्जैक्ट वैसे ही टेस्ट है। ये रेसिपी एक्चुअली मैंने अपनी जिठानी से सीखी थी, जो लाहौर में होती हैं, और उन्होंने भी अपनी भाभी से सीखी थी, तो ये इट्स लाइक अ चेन, क्योंकि जो भी ये बिरयानी खाता है ना, वो इसकी रेसिपी ज़रूर लेता है। इसलिए मैं आपको भी बार बार कह रही हूँ कि आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस हमने शाम में मज़े से बिरयानी इंजॉय की, और उसके बाद काम वगैरह करके मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। हरिकेन की अपडेट मैं सुबह इसी वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी। तो ये था आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि और भी अच्छे व्लॉग देख सकें। आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हरिकेन लॉरा जो है वो रात को यहाँ पे सारी तबाही करने के बाद अब ह्यूस्टन की तरफ चला गया है। ये एरिया हमारे स्टेट में ही है, लेकिन हमारे घर से अराउंड 2 आवर्स की ड्राइव पे है।
बहुत ही बड़ा स्टॉर्म था और इसका जो सर्कल था वो अराउंड 40 किलोमीटर्स तक था। काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पे, जो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा। और जो लोग यहाँ पे रहते थे उन्होंने पहले ही इवैक्यूएट कर लिया था उन्हें। आप यूट्यूब पे हरिकेन लॉरा टाइप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।